इंडियन एयरफोर्स ने आज एक ऐसी ड्रिल की जो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुई। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर आज मिराज 2000 फाइटर प्लेन को लैंड करवाया गया और यह पहली बार है जब किसी हाईवे का सड़क का इस्तेमाल रनवे की तरह किया गया। एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स ने आज सुबह इस रोड पर रनवे टेस्ट को अंजाम दिया। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा अजूबा पहले कभी नहीं हुआ। वायुसेना ने पहली बार किया रोड रनवे टेस्ट। फाइटर प्लेन मिराज 2000 ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की और उड़ान भी भरी। आज पहली बार हाईवे का इस्तेमाल हवाई पट्टी के तौर पर किया गया। वक्त सुबह 6:45। जगह मोहबन गांव, यमुना एक्सप्रेसवे। वायुसेना का मिराज 2000 फाइटर जेट अचानक तेज आवाज करता हुआ आसमान में मंडराने लगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर पहुंचने पर मिराज ने जमीन से अपनी दूरी कम कर ली। विमान तेजी से नीचे आने लगा। जमीन पर उतरने से पहले विमान 100 मीटर नीचे आया और कुछ देर बाद मिराज एक्सप्रेसवे पर लैंड कर चुका था। वायुसेना के शक्तिशाली फाइटर प्लेन मिराज 2000 की इस लैंडिंग के साथ इतिहास बन गया। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। भारत में किसी भी हाईवे पर किसी फाइटर प्लेन को लैंड नहीं करवाया गया था, लेकिन आज सुबह मिराज 2000 को यमुना एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ लैंड करवाया गया बल्कि उसे टेक ऑफ भी करवाया गया। एयरफोर्स का ये रोड रनवे टेस्ट बिना किसी चूक के पूरा हुआ। विमान ने दो बार इस तरह का टेस्ट किया। वायुसेना इसे इमरजेंसी ट्रायल रन कहती है, जो किसी भी विकट परिस्थितियों में काम आ सकता है। मिराज 2000 जैसे ही यहां पर पहुंचा तो उसके बाद मिराज 2000 एयरक्राफ्ट यानी भारतीय वायुसेना के इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने यहां पर टच डाउन लैंडिंग की और फिर इधर आप अभी भी टायर के निशान देखेंगे और फिर उसके बाद ये सीधा ऊपर की तरफ फ्लाई कर गया। सुबह ये जहाज बॉर्न हुआ है सेंट्रल इंडिया में अपने बेस से मिराज 2000 एंड उसके बाद अपने यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आने के बाद इन्होंने एक ओवरशूट मारा है जो कि बेसिकली अप्रोच को देखने के लिए कि अप्रोच ठीक है या नहीं एंड लैंडिंग की जा सकती है कि नहीं उसको असेस किया जाता है। पायलट असेस करता है, फिर ओवरशूट करने के बाद दोबारा से आके लैंड किया जाता है। तो इसमें जहाज रुका नहीं है, इट वॉज अ रोलर टेक ऑफ, मतलब कि उसने टच डाउन किया है एंड उसी गति से वो फिर रोल करके थोड़ा सा हाईवे के ऊपर फिर एयरबॉर्न हो गया है। मिराज 2000 की लैंडिंग से पहले एयरफील्ड की मुस्तैदी से रेकी की गई। मिराज के रोड रनवे टेस्ट से करीब 45 मिनट पहले एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराया। हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके का मुआयना किया और सब कुछ प्लान के मुताबिक पाकर टेस्ट को हरी झंडी दिखा दी। इसके कुछ देर बाद ही महोबन गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सफेद निशान बना दिए गए। ये निशान फाइटर प्लेन को सेफ लैंडिंग एरिया का संकेत देने के लिए बनाए जाते हैं। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पे आज सुबह इंडियन एयरफोर्स का मिराज लैंड किया था। जी हाँ, ये वो जगह है जो आगरा और मथुरा के बीच में है। अगर हम बात करें तो मथुरा से ठीक 20 किलोमीटर आगे, मथुरा कट से ठीक 20 किलोमीटर आगे ये वो जगह है। और आप जो ये मार्क देख रहे हैं ये वो मार्क है जो बनाया गया था कल ताकि यहाँ पे मिराज को लैंड करने के लिए एक तरीके से रनवे पे जिस तरीके से मार्क बनाया जाता है वो यहाँ पे मार्क लगाए गए हैं। अब देखिए ये पहला मार्क है, दूसरा मार्क है, तीसरा और चौथा। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे तो मथुरा से जब आप आगे बढ़ेंगे आगरा की तरफ तो आपको ये मार्क दिखेगा। ये महोबन गाँव है जिस जगह पे ये सारा कुछ एक्सरसाइज किया गया था।
अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो ग्वालियर बेस से जो मिराज का बेस है वहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से दो दफ़ा, पहली दफ़ा इस तरफ से मिराज आया और उसके बाद फिर आगे गया और दोबारा लौट के आया और फिर इसी रास्ते से निकला। फाइटर प्लेन की सड़क पर लैंडिंग वायुसेना के बड़े अधिकारियों की देखरेख में हुई। इस रोड रनवे टेस्ट के दौरान एयरफोर्स के अधिकारी वहां मौजूद थे। किसी को भी वहां आने की इजाजत नहीं थी। गांव वालों को भी लैंडिंग एरिया से दूर रखा गया था। हम ठीक उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे कि मिराज लैंड हुआ था और मिराज के टायर आप देख सकते हैं कि बकायदा इस जगह पे, ये एक्सप्रेसवे का एरिया है और यहीं पे एक बार जो है सबसे पहले आया और ये निशान बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहां पे मिराज लैंड हुआ था। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या आप लोगों ने सोचा था कि किस तरह से क्या हुआ, कुछ आवाज़ हुई, तेज़ आवाज़ हुई या पहले से पता था? यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी जब मिराज आया तो यहाँ बहुत तेज आवाज़ हुई थी। यहाँ दो बार आया था, वो दो बार उतरा फिर टच करके थोड़ा सा टच किया और चला गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एयरफोर्स ने आगरा एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, बर्ड क्लियरेंस सिस्टम, रेस्क्यू व्हीकल्स और दूसरी व्यवस्थाओं को हाईवे पर शिफ्ट कर दिया था। इस ट्रायल रन को अंजाम देने से पहले आगरा और मथुरा के डीएम और एसपी को जानकारी दी गई थी। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण को भी इसके बारे में बताया गया था। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे को 2 घंटे तक बंद रखा गया। वो जो यहाँ पर जो 4 पैचेस हैं वहां से लेकर यहाँ तक की क्या कहानी है, कितना मुश्किल हुआ होगा और कैसे इसको? क्रूशियल, बिकॉज ये बड़ा क्रूशियल है, बड़ा जरूर, यही तो मुश्किल पार्ट है कि आप ये जज करना, क्योंकि नीचे आ रहा और तेजी से जा रहा और अंदाजे से देखना है कि कितना लैंडिंग, कितना चेंज करना है, स्पीड कितना है, थ्रॉटल करना है, जब तक ये टच हो गया। इस टचने के बाद आ रहा इधर से, यहाँ बिल्कुल पूरा लैंडिंग का स्किल इसी में होता है। सर उसको क्या कहते हैं वो जो जगह है? मार्कर्स, रनवे मार्कर्स, उसकी दूरी और लैंडिंग। रनवे मार्कर्स का मतलब ये है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रनवे, ये रनवे का शुरुआत है, शुरू है और पायलट ये इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां से देख लिया कि हाँ इधर है, इधर हम इतना होना चाहिए और आप जो ये क्रूशियल टाइम ऑफ लैंडिंग इज देयर, वो देखेगा कि अच्छी तरह से आके थ्रॉटल बाइक। कितनी स्पीड में रहता है मिराज? 300 किलोमीटर। किसी सड़क पर फाइटर प्लेन को उतारने का ये पहला टेस्ट है। वायुसेना के मुताबिक भविष्य में ऐसे रोड रनवे टेस्ट और किए जाएंगे जिससे एयरफोर्स की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। इस एक्सप्रेसवे पर जहां पर इस समय अभी ये निशान दिखाई दे रहे हैं, कुल मिला के 10 सेकंड तक लड़ाकू विमान मिराज 2000 फर्शा स्क्वाड्रन यानी 7th स्क्वाड्रन का ये लड़ाकू विमान जिसने अपने युद्ध कौशल से हर बार लोहा मनवाया है वो इस हाईवे पर उतरा। अब भारतीय वायुसेना के मुताबिक और भी जितने हाईवे हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कभी भी देश पर अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसमें इन हाईवे का इस्तेमाल भी एयरस्ट्रिप के तौर पे किया जा सके। इसकी दूरी करीबन 3000 मीटर से लेकर करीबन 5000 मीटर यानी 3 से 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए, लेकिन अगर ये पूरा स्ट्रेच देखें तो बेहद लंबा है और जो एक मिराज 2000 की हाइट लेंथ है वो करीबन 90x30 फीट है, तो इसको देखते हुए डेल्टा विंग वाला ये मिराज 2000 बेहद आसानी से यहाँ पर उतर गया और इसने एक बार फिर से देश की शक्ति का लोहा पूरे देश में मनवाया। कैमरा पर्सन मनोज ओझा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, मथुरा। एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान को उतारकर भारतीय वायुसेना ने यह जताया कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए वो नई तकनीकों पर अमल कर रही है। आज हुए इस रोड रनवे टेस्ट का मकसद क्या था ये देखिए। हाईवे पर फाइटर प्लेन उतारकर एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो भविष्य में किसी भी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। अब तक गिने चुने देशों ने ही अपनी सड़कों पर फाइटर प्लेन उतारे हैं, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ गया
मिराज 2000 का ये रोड रनवे टेस्ट क्या मानकों पर खरा उतरा? क्या यमुना एक्सप्रेसवे आपात परिस्थितियों में फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए सेफ है? इसका पता कुछ दिनों बाद ही लग पाएगा। एयरफोर्स आज के टेस्ट का विश्लेषण करने के बाद ही रिपोर्ट तैयार करेगी। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग ड्रिल के पीछे वायुसेना के दो मकसद हैं। पहला तो ये कि किसी इमरजेंसी में फाइटर जेट्स को हाईवे पर उतारा जा सके और वहां से उड़ान भर सके। दूसरा, वायुसेना अपनी ऑपरेशन क्षमता को परखना चाहती थी। क्या वायुसेना के विमान और पायलट हवाई पट्टी के अलावा किसी हाईवे पर भी ऑपरेट कर सकते हैं? कल को हमें फाइटर एयरक्राफ्ट को रिकवर करना पड़े और हमारा एयरबेस फर्ज के किसी वजह से अवेलेबल ना हो, तो क्या हम उसे हाईवे के ऊपर उतार सकते हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर उतार सकते हैं या नहीं? तो इसका मेन एम यही था, टू फाइंड आउट एंड टू डेमोंस्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू द कंट्री कि यस, इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, हम उसको नेशनल हाईवे के ऊपर भी उतार सकते हैं। लड़ाई के दौरान रनवेज कम पड़ सकते हैं, रनवे गिने चुने होते हैं। आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है बमबारी करके और बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, अब उसको लैंड करना है, उसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है, तो अगर उसको रोड मिल जाती है जहाँ पे वो लैंड कर सकता है तो आराम से वो रोड के ऊपर अपना एयरक्राफ्ट उस टाइम लैंड कर देगा। उसको फिर वहीं से फैसिलिटी होती हैं, उसको या रिपेयर करनी है या रिफ्यूल करना है और इत्यादि करके उसको दोबारा उड़ाया जा सकता है। भारत ने आज एक फाइटर प्लेन को एक्सप्रेसवे पर सड़क पर उतारा, लेकिन दुनिया के कई देशों में सड़कों पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ऐसे इंतजाम किए जा चुके हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे की आज सुबह की हैरतअंगेज तस्वीरें हैं। देश में ये पहला मौका था जब वायुसेना के किसी फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर करवाई गई हो। फाइटर प्लेन मिराज 2000 को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल के तहत दो बार उतारा गया। देश में पहली बार इस तरह एक्सप्रेसवे को फाइटर प्लेन का रनवे बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी दुनिया भर के और देशों में सड़क को रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है। ये फिनलैंड की तस्वीरें हैं जहां फिनिश एयरफोर्स ट्रेनिंग के दौरान फाइटर प्लेन को सड़क से उड़ाने की तैयारी की गई। प्लेन को उड़ाने से पहले सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसके बाद फाइटर प्लेन ने सड़क से ही उड़ान भरी। कुछ देर हवा में रहने के बाद फिर सड़क पर ही प्लेन की लैंडिंग करवाई गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रूस की तस्वीरें हैं जहां एक फाइटर प्लेन को सड़क पर ले जाया जा रहा है। भारत से पहले इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सिंगापुर, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड और ताइवान ये ड्रिल कर चुके हैं।